Hello students, this is Kausar Ashraf, teacher of Freshbird School, and today we'll be reading the story A Foolish Crow of your English literature book, that is chapter 6. Okay, so there was a crow. He observed an eagle while praying. He was impressed with the eagle and tried the eagle's technique of praying. So now read the story to know what happened with the crow. A crow lived in a hilltop. An eagle also lived there. When the eagle prayed, he always watched the eagle carefully. The eagle made high flights and then swooped on the ground to prey, such as rabbit, mice and squirrel. Okay, so what we see that there is a crow, एक कौवा है जो एक काफ़ी हिल की ऊंचाई पे रहता है, वहाँ पे एक ईगल भी रहता है, ठीक है। तो जब भी ईगल शिकार करने जाता है तो जो क्रो है वो बहुत ध्यान से नोटिस करता है कि वो किस तरह से शिकार कर रहा है। तो वो ईगल जो है वो एक लंबा फ्लाइट लेता है, लाइक यू नो एकदम स्पीड में एक स्ट्रेट उड़ता है और एकदम फटाक से स्कूप करके नीचे ग्राउंड पे जाता है अपने शिकार करने। कभी उसका शिकार रैबिट होता है, कभी माइस होती है, कभी स्क्विरल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्रो हमेशा उसको देखता रहता है। सो वन डे अ शेपर्ड केम देयर टू ग्रेज हिज शीप्स। द ईगल सॉ द शीप गेजिंग देयर एंड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू प्रे। ही स्पॉटेड अ लैम्ब अबाउट वन वीक ओल्ड। The eagle scooped down from the hill, picked up the young lamb in the claws and flew away. The crow was observing the technique of the eagle. He was very much impressed by the eagle. The crow thought, I and the eagle both are birds, so as the eagle catch his prey, I can also do the same. तो क्या होता है, एक दिन एक शेपर्ड जो है वो अपने शीप्स को लेकर आता है घास चढ़ने के लिए। तो ईगल जो है वो शीप्स में से एक शिप को देखता है, एक छोटा सा लैम्प को देखता है एंड उसको वो नोटिस करके रखता है, जो कि एक हफ्ते का ही होता है, उसको बर्थ लिए एक वीक ही हुआ है। तो वो उसको स्पॉट कर लेता है एंड वो सोचता है उसका शिकार करेगा। तो ईगल क्या करता है, वो बहुत ऊंचाई से स्कूप करके डाउन जाता है और उस लैम्प को अपने क्लॉज में अपने पंजों पे पकड़कर उड़कर चला जाता है। क्रो जो है वो देखता रहता है, ऑब्जर्व करता है उसकी टेक्निक को, इम्प्रेस होता है और सोचता है कि जैसे कि एक ईगल बर्ड है, मैं भी बर्ड हूँ, तो जिस तरह से वो शिकार कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ। तो वो सोचता है कि ऐसे किया जाए। विद दिस थॉट द क्रो मेड अ हाई फ्लाइट एज मच एज ही कुड, देन ही स्कूप टूअर्ड द ग्राउंड विद अ ग्रेट स्पीड। लास्ट द क्रो स्टक टूअर्ड द ग्राउंड विद ग्रेट स्पीड, हिज नेक एंड बीक ब्रोक वाइल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ही डाइड एट वंस। द क्रो मेट विद हिज डेड एंड बिकॉज ही डिड नॉट नो टू कंट्रोल हिज फ्लाइट एज द ईगल, ही इंटीमेटेड द ईगल एंड डाइड एट वंस। अब देखो क्या होता है कि क्रो जो है वो सोचता है कि उसकी जैसे ही वो ट्राई करेगा टेक्निक, तो वो भी यही करता है। वो एकदम क्या बोलते हैं, ही थॉट, वो काफ़ी हाई फ्लाइट करता है और एकदम स्पीड में सोचता है कि नीचे की तरफ जाएगा। वो सेम टेक्निक ट्राई भी करता है, पर क्या होता है कि वो ट्राई तो करता है पर वो नीचे जाकर ग्राउंड पे गिर जाता है और उसका जो चोंच और नेक है वो दोनों टूट जाता है, ज़मीन पे जाके वो लड़ जाता है, डायरेक्ट स्कूप करके नीचे जाता है और वो लड़ जाता है और लड़ते ही मर जाता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ईगल और क्रो दोनों में बहुत फ़र्क है। ईगल को अपने स्पीड को कंट्रोल करना आता है, पर क्रो को तो वो टेक्निक नहीं पता ना कि कैसे कंट्रोल करते हैं। वो कॉपी तो करता है, इमिटेट करके ईगल को सेम एक्टिविटी ट्राई करता है, मगर वो फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़मीन में जाकर लड़ जाता है और लड़ने की वजह से उसकी जो चोंच है वो भी टूट जाता है, उसका नेक भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन क्वालिटी। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आप कॉपी करोगे भी तो यू कैन नॉट बी दैट परफेक्ट। वो सामने वाला जिस इंसान को आप कॉपी कर रहे हो वो उसका एक उसकी कैलिबर है या फिर उसकी क्वालिटी है। यू कैन नॉट कॉपी एनीबडीज क्वालिटी। हम सबके अपनी अपनी क्वालिटी होती है। एक ईगल की जिस तरह की अपनी क्वालिटी है, वैसी क्रो की भी अपनी क्वालिटी होगी। अगर क्रो ने दिमाग लगाया होता अपना, इफ़ ही वुड हैव बीन स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ ही डूइंग, तो आज उसकी डेथ नहीं होती। ही वुड हैव अंडरस्टूड, ही वुड हैव tried adapting his own techniques and tried doing his own things, but he acted as a foolish person, as a foolish animal, and he did the thing which was not supposed to be done and he faced his end. So everybody has their own quality. We should always try to adapt our own quality. We should try our the thing that we have in ourselves. We need to find that best quality of us, that best thing that makes us perfect, and we need to do that will help us to lead the right path, to lead the right wisdom, the right victory. So like, you know, the perfect person, there is nobody perfect. Everybody has some flaws and
pitfalls. We just need to understand that. So copying others will not lead you to the success that that particular person is having. He is having that success by walking and at a particular path. That doesn't mean if I will also walk on that path, I'll also reach to the success. That is not important. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक इंसान जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस रास्ते पर चल के उसने विक्ट्री हासिल कर ली, हमें भी उसी रास्ते पर चल के विक्ट्री हासिल करनी, ये ज़रूरी नहीं है. यू कैन ट्राई बट अपने तरीके से आप उससे सीख सकते हो, बट यू कैन नॉट कॉपी. आप किसी चीज़ को अगर देख के इम्प्रेस हो रहे हो तो उसके सीखने की कोशिश करो, उसकी उसकी अच्छाई को समझने की कोशिश करो, ना कि उसको देख के बस जिस तरह उसने किया वैसे मैं भी कर लूँ ताकि मैं भी जीत जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो नेवर ट्राई एक्टिंग फुलिश लाइक दिस क्रो. ऑलवेज ट्राई टू बी वाइज एंड क्लेवर, यूज़ योर ब्रेन एंड ट्राई टू अडेप्ट योर क्वालिटीज़ एंड लर्न विथ योर क्वालिटीज़. Okay, so I hope you all have understood this small story and you all have learned what actually the writer was trying to tell us. I hope you all will adapt these things in your life and learn good things. So please go through to the story and I hope there is some meaning in the next page. Try to learn that also and write in your copies. Okay, so we are done with this poem. We are done with the story. I hope you all have understood. So we are winding up here today, okay? Do read this. Thank you. Bye-bye.